अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हो गई हूँ रेडी नहा वहा के, और ये मेरा आज का आउटफिट है। हाँ, मैंने ट्रांजिशन वीडियो नहीं बनाया है, बाद में सोचूंगी। और आपको मुझे एक चीज़ और दिखानी थी, एक मिनट। ये देखो मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है, आपको ज़रूर बताना। उसके बाद फिर मेरा भाई भी रेडी हो गया है, आप देख सकते हो, नमाज पढ़ के आया है अच्छे बच्चे की तरह। इधर हाय बोल दो व्यूवर्स को, व्यूवर्स को हाय बोल दो। सो मेरा भाई भी हाय बोल रहा है गाइज। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको, मेरे घर में नई नई चादरें बिछी है। मैं ऐसे ऑर्डर पैक कर रही थी, एक कस्टमर को ऑर्डर आया था तो उसको मैं पैक कर रही थी। उसके बाद ये चादर आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल तरीके से लग चुका है। मेरे भाई ने आज नया वॉच पहना था, ये रहा आज उसका वॉच जो उसने पहना था। मेरी मेहंदी का रंग उतना नहीं चढ़ा, बट जो है चलो ठीक है। ये ऑर्डर रख दो, सुनो ऊपर रख दो, रख दो। और ये अब घर की साफ सफाई हो रही है, मैं बस अब नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगी। और मम्मा नहा रही है, मम्मा के साथ मैं नमाज पढ़ लूंगी। और मेरी आपी अभी रेडी नहीं हुई है, और ये ऐसे घूम रही है फालतू में, इसके पास कोई काम नहीं है सिवाय ढील नोचने के। और आपको मैं दिखाती हूँ मेरी मम्मा के रूम का चादर, ये देख सकते हो माशाल्लाह क्या लग रहा है। मम्मा के रूम का चादर तो इतना ज़्यादा खिल रहा है, इतना ज़्यादा खिल रहा है। और ये फिरौन का जूता मेरी मम्मा का है जो पहनेंगी, और इसके मेहंदी का कलर कुछ ऐसा आया है। नहीं अभी अभी तो जस्ट उतारे हैं मेहंदी, इसका कलर चढ़ेगा। चांद के दीदार के लिए भी चांद शर्मा जाएगा, इसके हाथों में जो चांद है। तो फिर दिखाओ तो कि अभी कलर चढ़ेगा तो फिर दिखाएंगे। और आपको मैं ये कैलेंडर दिखा दूं जिसमें मैं मेरी मम्मा की बेटी लग रही हूँ, और नो डाउट मैं हूँ अपनी मम्मा की बेटी। और ये देख सकते हैं अभी मैंने कुछ नहीं करा, लगता है मुंह ऐसा ही सूजा सूजा हुआ, बट कोई बात नहीं, दिस इज नेचुरल ब्यूटी गाइस। सो अब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा मेकओवर शेकओवर करने, लेकिन नमाज के बाद, उसके बाद देखूंगी। तो सी यू आफ्टर नमाज। हमारा नमाज हो चुका है और मेरी मम्मा पी रही है फातिया के आवाज ढकनी का। चलो मैं भी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूंगी मेकअप। बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली अब हमारा रोजा नहीं है, अब हम खा सकते हैं, अब अगले साल आएगा। खजूर जगड़ के। हेलो एवरीवन, तो मुझे इतना बड़ा पीआर प्रोडक्ट आया है और इसको अनबॉक्स कर रहे हैं, तो आज मैं आई हूँ मम्मी के साथ, मम्मी करेगी इसको अनबॉक्स, क्योंकि देखना है कितने बड़े पीआर प्रोडक्ट में है क्या। और ये बहुत ज्यादा हेवी भी था, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। सोनू खुलता है फटाफट, खुल जाएगा तुमसे सोनू। फाड़ दे पैकेज। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये इटालिया यहाँ पे लिखा है, एंड मेरी मम्मी सोई हुई थी, मैंने उनको जबरदस्ती उठाया कि चलो मैं देखना चाहती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्या है क्या है। तो लेट्स सी, सब लोग सुबह के जगे हुए थे ना, इसलिए सबको इतना जोरों का नींद आ रहा है, हो जाता है। मैं भी एक नींद मारी हूँ, और अब जाके हम लोग दूध अच्छा खाएंगे। और ये खुल रहा है पैकेज। दीदी कहाँ गई दीदी? फाइनली अब खुल रहा है, और ये कट गया। मम्मा ने दिमाग लगाया कि नीचे से खुलेगा, कैंची उल्टा है, कैंची कैंची थोड़ा हम लोग कही हो, बोरा नहीं कट जाए, बोरा नहीं कट। अल्लाह, ओह माय, ओहो मम्मी दिमाग लगाई। यहाँ से खुला, क्या लग गया? कांटा गया, मांस दब गया। ओ अच्छा, कैंची से दब जाता है, नींद तो टूट गया होगा। देख क्या आया है, बंद करो ना, बंद करो। ये देखिए, बोरा कट जाएगा, बोरा कटे, सुनो बोरा नहीं कटना है। हाँ देखिए देखिए, बिस्मिल्लाह बोल, बिस्मिल्लाह। So finally, super excited, guys! Okay, the color. ऐसा expression क्यों?
दीदी बस घीच तू थोड़ा घीच ना, तेरे ही इसमें पैक कर देंगे इतना बड़े बोरे में। एक पैर फंसा हुआ है, एक पैर फंसा हुआ इधर, घोड़ा खींचा हुआ एक पैर फंसा हुआ। ओहो खरा कर दो। हाँ पैर चारों निकाल दे, चार पैर से तो आप लोगों को शायद मालूम चलेगा, जो मुझे मालूम चल रहा है मुझे भी जो लग रहा है ना बहुत ही हंसी आएगा। देख दीदी ओ माय गॉड Just look at my mom expression. निकाल खोलो खोलो। हेलो। बड़े से खोलना इसको बिना फाड़े और बिना काटे साइड से। बस ऊपर ही नीचे से सब कटेगा। हाँ मम्मी को पूरा आइडिया है किधर से। आसमान से। क्या आसमान से? गिरे तो खजूर भी आएगा। क्या खजूर? मतलब इसके इतना खोलने में मेहनत की है तो फिर अब इसको भी खोलना है। हाँ हाँ। आसमान से। हाँ तो करेस ना लगता है। सॉक्स मेरा भाई भी चल रहा है, मैं कर रहा था इधर, तुम देख यार चिपकी काट कर दो नीचे से ही काट दो। मैं बात बोल रहा हूं, ये रहा टेप लगा हुआ है यहां पे, टेप लगा, टेप को काटो, टेप को काटो, जो वीडियो बना मेरा है ना। अच्छा ये ऐसे लंबा है तो लपेट, वही लपेटा भाई ये ऐसा आने वाला। दीदी बोली हाँ ठीक है मजबूत वाला ही लेना, बहुत टाइप का था, बहुत सारे डिजाइन का था, लेकिन मैंने बोला ये ठीक है, तो बोली हाँ हाँ ठीक है ये काम करेगा। तो ये वही चीज है, बहुत टांग इसका ढीला कर। सो अब ये फाइनल अनबॉक्सिंग कलरिंग आप देख सकते हैं। वाओ दिस लुक्स सो लग्जूरियस एंड स्टैंडर्ड राइट। And yes, बहुत अच्छा क्वालिटी। And ये किस ब्रांड की तरफ से आया? The brand is called Italia, वहां से आया। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप देखें। दोनों चिरगोटा देखो कितना मजबूत है, तुम बैठ के देखो इसमें, दोनों जूटा हुआ है क्या? फटेगा। पैकेजिंग की दाद देनी पड़ेगी। दीफार बढ़िया है, कैसा लगा? ये इसलिए लिया क्योंकि ये कलर धूप में भी रहेगा तो ना फेड नहीं होगा। मैं अभी इस पे बैठी हुई हूँ। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये। तो कैसा लगा आपको रिव्यू बताएं? 5 मिनट। मेरा भाई भी काफी मेहनत कर रहा है, यही जाएगा मेरे साथ कल वीडियो बनाने। गिफ्ट और इसमें मेहनत तो बहुत ज्यादा लगा खोलने में, बट बहुत प्यारा कलर, बहुत प्यारा है। एंड इसकी अगर बात करूँ क्वालिटी की तो काफी मजबूत लग रहा है ये, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप होल्ड भी कर सकते हैं अपने चेयर को। एंड डिजाइन इसका काफी यूनिक लगा, इसका नाम है फॉर। फाइनली मेरी मम्मी बैठ के देख रही है, मम्मी कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल है? हाँ इनको एकदम कंफर्टेबल लगा, इनको ऐसा ही चेयर चाहिए था हमेशा से जो इटालिया ने दिया है। और मेरी मम्मी अभी भी नींद तो अभी भी वो नींद में है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच इटालियन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर।